दोस्तों नमस्कार, आज के इस लाइव मॉक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 40 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लेके आए हैं। आप पेन और कॉपी लेके जल्दी से बैठ जाओ, साथ साथ आपको अपना स्कोर काउंट करते रहना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। तो चले दोस्तों मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से कर दीजिए। और दोस्तों ये एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो जल्दी आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं सभी लोग। तो राइट आंसर दोस्तों यहां पे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, आंसर आपका यहां पे आ जाएगा ए। ठीक है, वेलेंटाइन सिरोल। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो किसने कहा? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अशोक चक्र से सम्मानित की जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? ठीक है, जल्दी अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी। अशोक चक्र से सम्मानित की जाने वाली भारत की प्रथम महिला, राइट आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं। आंसर आ जाएगा बी, कमलेश कुमारी। अशोक चक्र से सम्मानित की जाने वाली भारत की प्रथम महिला है कमलेश कुमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? ठीक है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, किस जनगणना पर आधारित है? तो जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी। आंसर आएगा डी, 1971 की जनगणना पर आधारित है। दोस्तों मॉक टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए खास इन्फॉर्मेशन, अगर आप एसएससी और बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका आया है। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैक टेस्ट होने जा रहा है 24 अप्रैल 2022 को, तो इसमें इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें दोस्तों आप काफी सारे रिवार्ड जीत सकते हैं। फर्स्ट नंबर के ऊपर आप आते हैं तो आप लैपटॉप, सेकेंड नंबर के ऊपर आते हैं तो सैमसंग मोबाइल, और भी काफी सारे रिवार्ड यहाँ पे आपको मिल रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करना है, फिर एसजेएल 2021 कोड आपको जरूर से यूज करना है। इसमें दोस्तों टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने का मौका आप सभी को मिल रहा है। 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का टाइम आपको यहां पर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर जो हमारी प्रोफाइल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर आपके लिए डेली बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस होती है जिनके जरिए आप घर बैठे अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे, तो प्रोफाइल को भी जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहां पे कल आपके लिए 7 से 8 बजे शाम को होगी रीजनिंग की क्लास, और रात को 9 से 10 बजे आपकी होगी जनरल साइंस की क्लास। तो इन दोनों क्लासेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इन क्लासेस में बिल्कुल फ्री में भाग ले पाएंगे। और अगर आप पहली बार अनअकैडमी के ऊपर जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एसजेएल 2021 कोड यूज करना है ताकि आप ये क्लासेस बिल्कुल फ्री में देख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत दंड संहिता 1860 भारत में किसके द्वारा लागू की गई? ठीक है दोस्तों, जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत दंड संहिता 1860 भारत में किसके द्वारा लागू की गई? तो जल्दी आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आंसर यहां पे आ जाएगा आपका सी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। भारत दंड संहिता 1860 है, यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू की गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? तो विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? जल्दी अपना सभी साथी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वेरी गुड, राइट आंसर दोस्तों आएगा डी, राज्यपाल। विधानसभा में धन विधेयक है ये राज्यपाल की पूर्व अनुमति पर पेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? ठीक है, जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस समय पे राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करेगा? राइट आंसर दोस्तों आएगा आपका सी, उपसभापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो दोस्तों राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? सभी साथी जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वेरी गुड, राइट आंसर आएगा डी, प्रश्न उत्तर काल। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का मतलब है प्रश्न उत्तर काल।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद। वेरी गुड, जल्दी से जो भी साथी लाइव हैं सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आंसर आएगा सी, प्रधानमंत्री। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है, तो इनमें से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा सी, प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेतृत्व कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। वेरी गुड, राइट आंसर आएगा बी, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, बैंकिंग का, बीमा का, जनगणना का या फिर गैस का। तो दूसरा राइट आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं, राइट आंसर आपका आएगा डी, गैस का, संघ सूची में गैस का उल्लेख नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अक्षांश रेखा जिस पर दिन व रात की अवधि समान रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर हिंज रेखा। वेरी गुड दोस्तों, राइट आंसर आपका जाएगा ए, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि है वो समान होती है। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम पेगोडा देश का किस नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, स्वर्णिम पेगोडा देश को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, राइट आंसर दोस्तों आएगा म्यांमार, ठीक है। म्यांमार को स्वर्णिम पेगोडा का देश इस नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। दोस्तों राइट आंसर आएगा डी, इनमें से सभी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन सभी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानस किस नदी की उपनदी है, तो दोस्तों मानस किस नदी की उपनदी है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर आपका आएगा डी, ठीक है। वेरी गुड दोस्तों, साथ साथ सभी लोग अपना स्कोर जरूर से काउंट करेंगे, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग या फिर दो तिहाई बहुमत से राज्यसभा या दो तिहाई बहुमत से लोकसभा। आंसर आपका आएगा सी, दो तिहाई बहुमत से राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी पेपर मिल का मुख्यालय कहां है, तो सिक्योरिटी पेपर मिल का मुख्यालय कहां है, जल्दी आप अपना आंसर बता सकते हैं। दूसरा राइट आंसर आएगा ए, होशंगाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिल टावर के निर्माण में किन तत्वों का प्रयोग किया गया है, लोहा, स्टील, सीमेंट, स्टील सीमेंट, लोहा, एल्यूमिनियम सीमेंट या फिर लोहा, तांबा व सीमेंट। तो एफिल टावर के निर्माण में किन तत्वों का प्रयोग किया गया है, आंसर आएगा ए, लोहा, स्टील और सीमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दल बदल विधेयक पारित किया गया था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब दल बदल विधेयक पारित किया गया। राइट आंसर आएगा ए, वेरी गुड, राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, इनके टाइम पे दल बदल विधेयक पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, पर्यावरण के संदर्भ में 2 फरवरी को निम्नलिखित दिनों में से कौन सा दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार उल्टा भी आता है। आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे आपको कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, लेकिन उल्टा भी आ सकता है, ठीक है। तो जल्दी से सभी साथी अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो भी लोग यहां पे लाइव हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर से कर देना, ठीक है। और अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर आएगा डी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है पर्यावरण के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य
हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। तो इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? आंसर आएगा बी कथक। ठीक है, कथक है यह शास्त्रीय नृत्य है, हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे यूरोप का कॉकपिट के नाम से जानते हैं? ठीक है, इनमें से किसको यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? सभी साथी अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आंसर आएगा बी बेल्जियम को। यूरोप का कॉकपिट किसे कहते हैं? बेल्जियम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो किस राज्य ने 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 15 अप्रैल किस राज्य का स्थापना दिवस है? आंसर आएगा बी हिमाचल प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन किस शहर को कहते हैं? सभी साथी अपना राइट आंसर कमेंट करेंगे। वेरी गुड दोस्तों, राइट आंसर आपका होगा यहां पे ए अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन किसको कहते हैं? अहमदाबाद शहर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांथागल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? वेदांथागल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? दोस्तों राइट आंसर यहां पे आप जल्दी से बता सकते हैं, आपका आंसर आएगा सी तमिलनाडु में है। वेदांथागल पक्षी अभयारण्य यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उडुपी थर्मल पावर स्टेशन कहां है? ठीक है, उडुपी थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? आंसर आएगा दोस्तों आपका सी कर्नाटक में है। ठीक है, उडुपी थर्मल पावर स्टेशन है कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है? तो यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है? आंसर है ए अटलांटिक महासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आदिवासी उद्यमिता शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो भारत का पहला आदिवासी उद्यमिता शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? आंसर दोस्तों होगा बी छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ठीक है, तो दोस्तों तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, जल्दी से आप आंसर बता सकते हैं और साथ साथ अपना स्कोर सभी साथी जरूर से काउंट करेंगे। देखते हैं कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। राइट आंसर इसका आएगा डी रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आंसर आपका आएगा सी तीसरा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन सन 1932 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? ठीक है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? आंसर आएगा दोस्तों बी 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आंसर है डी लोक कल्याण। ठीक है, ये भारत संविधान की उद्देशिका में नहीं है लोक कल्याण शब्द। इसके अलावा तीनों शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन है वो सर्वोच्च है, यानी ये सबसे बड़ा है? तो दोस्तों राइट आंसर आएगा बी संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर है वो संविधान है। ठीक है, और सभी को संविधान के अंतर्गत ही काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विधि के समक्ष समता लिया गया है? तो दोस्तों विधि के समक्ष समता ये किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, यहां पे दोस्तों शायद से विविधता आएगा, विविधता के समक्ष समता। ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन है, शायद टाइपिंग में यहां पे थोड़ी मिस्टेक है, तो आप देख लें एक बार। राइट आंसर आपका यहां पे आएगा ए इंग्लैंड के संविधान से विविधता के समक्ष समता
यह इंग्लैंड के संविधान से वाक्य लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है यह किस देश के संविधान से ली गई? आंसर है डी, यूएसए से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, यह व्यवस्था है यूएसए के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो जल्दी आप अपना राइट आंसर बता सकते हैं। आंसर आएगा बी, राज्य विधानमंडल और पंचायत। 11वीं अनुसूची है यह राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को उसकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो किस शहर को जीरो माइल सिटी के रूप में जानते हैं, भारत के किस शहर को? आंसर दोस्तों आपका आएगा ए, नागपुर को। नागपुर को जीरो माइल सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर है? तो पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? जल्दी आप अपना आंसर बता सकते हैं। साथ ही राइट आंसर आएगा सी, महानदी के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था यह किन के बीच लड़ा गया? ठीक है दोस्तों, धर्मत का युद्ध है यह किन किन के बीच में लड़ा गया? वेरी गुड, सभी साथी जो भी लाइव हैं जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही अपना स्कोर काउंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आंसर आएगा सी, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। धर्मत का युद्ध है अप्रैल 1658 में हुआ और किन के बीच हुआ? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जादूगोड़ा का संबंध किसके खनन से है? दोस्तों जादूगोड़ा का जो एक स्थान है इसका संबंध किसके खनन से है, यानी यहां पे किस चीज का खनन किया जाता है या कौन सी चीज खनन से प्राप्त होती है? ठीक है, जल्दी अपना आंसर आप बता सकते हैं। आंसर आएगा सी, यूरेनियम से। जादूगोड़ा का संबंध यूरेनियम के खनन से है। ठीक है दोस्तों, मॉक टेस्ट के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब सभी साथी एक बार ईमानदारी से अपना स्कोर काउंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताओ कि 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, यानी कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे। और अगर आपका स्कोर 30 से अधिक है इसका मतलब आपकी तैयारी काफी अच्छी है, लेकिन अगर स्कोर 30 से कम भी है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप डेली अगर यहां पे मॉक टेस्ट देते हैं चैनल के ऊपर तो धीरे धीरे आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। साथ ही दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर हमने आपके लिए राजस्थान पुलिस एग्जाम की जो स्पेशल बिल्कुल फ्री क्लासेस हो रही है उनमें भी आप जरूर से पार्टिसिपेट करें। क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जैसे आप पहली बार अगर अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे तो क्लास चलाते समय आपसे एक कोड पूछेगा, उसमें SJL 2021 आपको लगाना है ताकि आप क्लासेस बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस मॉक टेस्ट में इतना ही। जो भी स्टूडेंट यहां पे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता रहे हैं, जिनका स्कोर 30 से अधिक है सभी को बधाई हो, और स्कोर कम है तो आपका स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। आप डेली मॉक टेस्ट में भाग लें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। साथ ही दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर जो यहां पे कमबैक टेस्ट होने जा रहा है इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।